देवास शहर के एपेक्स हॉस्पिटल से लेकर विकास नगर तक बन रहे ओवर ब्रिज को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवर ब्रिज का कोई औचित्य नहीं होने के साथ ब्रिज निर्माण के स्थान पर परिवर्तन को लेकर व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ने को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा है। इसको लेकर व्यापारियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी अपने समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों के हाथों में तख्तियां भी थी जिस पर लिखा था कि हमें ब्रिज नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि अगर ब्रिज का निर्माण नहीं रुका तो हम न्यायालय की शरण में जाएं। करीब आधे घंटे तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता का धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज किया। जय देवास, नया देवास, युवा देवास, इस नारे के साथ हम आज उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं जिस काम की जहाँ जरूरत नहीं है क्यों थोप रहे हैं आप, इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे क्या लालसा है। ये ब्रिज जो आज देवास शहर के अंदर बनना था उसको आपने ऐसी जगह पर ला के रख दिया है जहाँ लोगों की जरूरत नहीं है। दो दो सर्विस रोड जहाँ पर उपस्थित है जहाँ यातायात का प्रभारी नहीं है और जो देवास की खूबसूरती पर ये जो काला धब्बा आप लगा रहे हो हम इसके विरोध में आज यहाँ पर बैठे हुए। ये जो ब्रिज आप बना रहे हैं क्या इसको टेक्निकली सही रूप है, क्या इसका सर्वे सही हुआ है, क्या DPR बना हुआ है, क्या ये पैसा यहाँ के लिए सेंशन हुआ था, हमारा सवाल है। यहाँ जब देवास की आम जनता का समर्थन है कि हमको यहाँ ब्रिज नहीं चाहिए, आप क्यों जबरदस्ती ब्रिज थोप रहे हैं? विधायक जी, मैं आपसे विधायक जी से मेरा सवाल है, आप क्यों जबरदस्ती ब्रिज थोप रहे हो आम जनता के ऊपर? हाँ, ये जो क्षेत्र पूरा है, इस क्षेत्र में 40 साल से जो यहाँ जनप्रतिनिधि है जो विधायक बनकर बैठे हैं इनको 40 साल से जीत दिलाते भाई, ये यही क्षेत्र है जो जीत दिलाता हुआ है। ऐसे क्षेत्र के ऊपर आप इस प्रकार से आज इनकी प्रॉपर्टियां, आज इनका जो व्यवसाय इस ब्रिज के कारण कितना ज़्यादा मतलब उस पर इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा इस ब्रिज के कारण, आप लोग हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद जरूरत हुआ तो कोर्ट जाएंगे, अगर विधायक जी आम जनता की बात सुन लेते हैं और अगर इसको तत्काल रूप से इस काम को बंद करा के इस ब्रिज को ऐसे हटाते हैं तो नहीं तो फिर हम इस कोर्ट जाने का रास्ता है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।